हेलो हाय एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है महेंद्रनगर से, जो नेपाल में आता है। तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है हरिद्वार वापस जाने के लिए। तो एक दो हफ्ते का सफर हम लोगों ने नेपाल में काफी अच्छे से रहे। तो आज अब शाम के अभी 5 बजने वाले हैं, तो हमारी बस है 5:30 बजे की। तो हमने यहाँ से नेपाल टू देहरादून तक का जो नेपाल की बस होती है उससे हमने टिकट कर रखा है। थोड़ा बहुत रास्ते के लिए खान पीन, मतलब जो भी रोटी वगैरह बना के रख दिया है, तो दिखाती हूँ मैं आपको। और बाकी यहाँ पे मीरांश और मीरांश के पापा भी रेडी हो चुके हैं, और साथ में मेरा भाई दीपेश भी जा रहा है हरिद्वार, तो भी तैयार हो चुका है। और बाकी दिखाते हैं मम्मी ने आज क्या बनाया है हमारे लिए। मम्मी वही हो, मम्मी ने हमेशा की तरह आज भी बना रखा है चावल की रोटी, जिसे हम माणा बोलते हैं। तो ये रास्ते के लिए काफी अच्छा होता है। और साथ में बना रखा है तिल की चटनी, तो इसको ना मैं रैप कर देती हूँ जल्दी से। हो चुका है रेडी, और मीरांश के पापा भी हो चुके हैं रेडी। हाय, और 5:15 हो चुका है। टीका लगता है, अरे ये टीका हमारे कहीं जाने से पहले टीका लगता है। थोड़ा सा और ये गुन्नो, मेरा भी टिक्का लग चुका है। क्या होना, पापा ने लगा दिया है मेरा भी टिक्का और मम्मी ने भी लगा दिया। तो अभी देर हो चुकी है निकलती। यहाँ पे हमारे खरगोश और इसके छोटे छोटे बेबी, और ये देखो ये कुछ निकलता है इसको। चल दिया दादा को लो फोन। तो हमारे जाने से पहले ना 1 बजे का पूजन होता है, तो इधर इधर जाना हो। ला ला बाय बाय। और हमारे घर के चारों तरफ बड़े बड़े बिल्डिंग, मामा आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग हमेशा लेट करते हैं, कभी भी हमारा लेट ही होता है जाने में आने में। तो देखते हैं कहीं बस ना निकल चुकी हो, निकलेगी फिर भी हम बॉर्डर पे उसको पकड़ लेंगे। स्पीड देखो मीरांश, स्पीड देखो, साइड आ सा बेटा, लेफ्ट साइड। मैं आ रखी उस शॉप में परी के लिए पैंट देखने के लिए, पर मिल नहीं रहा। काला में दिखा दे तू, काला में तो छो उसी तो परी सी था। तो एक ही साइज ये हमने पैंट ले लिया है, और हमारी बस ये रही। हमारी तैयारी हो चुकी है हरिद्वार जाने के लिए। तो सामने हमारा है बस, और यहाँ से जितनी भी शॉपिंग थी हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन। और अभी तो घर जाके याद आएगी, हाँ हम ये लेके नहीं आए, ये लेके नहीं आए। तो अब पैसे भी हो चुके हैं फिनिश, और सिर्फ हमारे पास बचा है टिकट। आगे से चलेगा गूगल पे। बाय कर दो, बाय कर। सफ़र करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गड्ढा चौकी में, और ये नेपाल का बॉर्डर है जो महेंद्रनगर में आता है। और यहाँ पे देख सकते हो एक माइती नेपाल सस्ता है, जो मतलब महिलाओं के लिए, जो महिलाओं बीज बिखन होते हैं और छोटे छोटे लड़कियों को लेके इंडिया में जो रोज़गार के झांसा देके मतलब वहाँ बेच देते हैं। मतलब ये चीज़ें अब नेपाल में बैन हो चुका है। तो नेपाल सरकार ने यहाँ पर जो स्टाफ चेकिंग के लिए भेज रखा है, अगर ऐसा डाउट होता है तो वो लोग जब तक आईडी प्रूफ नहीं होती तब तक नहीं छोड़ते। और जैसे लड़का लड़की भाग के आ जाते हैं तो उनको भी ये लोग जाने नहीं देते। तो इस चीज़ की यहाँ पे चेकिंग हो रही है। और फाइनली थोड़ी देर आगे बढ़ते हम लोग पहुँच चुके हैं इंडिया बॉर्डर में। तो यहाँ पे सीएसएफ वाले
चेकिंग कर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ तो लेके नहीं जा रहे इंडिया करके, तो यहाँ पे मशीन से चेकिंग होगी। तो यहाँ पे सभी अपना बैग चेकिंग करने के लिए गाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और मैं अभी गाड़ी पे ही हूँ क्योंकि थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए यहाँ पे भी आते हैं चेकिंग के लिए मैं, और यहीं पर ही चेकिंग कराऊंगी। शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है, एसी भी फेल, तब खिड़की खुली है। और मीरांस के पापा और मेरे भाई जा रखे हैं अपने बैग चेकिंग कराने के लिए, पर मैं तो अंदर से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं पर चेक कराऊंगी, कुछ नहीं मेरे पास। यहाँ पे मीरान से खिंचा रहा है फोटो और यहाँ पे ये छोटा सा पार्क। खाने में रोटी दाल चावल और ये क्या रायता और आलू की सब्जी, और ये है माणा और ये स्ट्रिंग और साथ में ही डीम, और मीरान से यहाँ पे रखा गुस्सा। तो रेस्टोरेंट में हो चुकी है भीड़ क्योंकि जो नेपाल टू दिल्ली बस भी यहीं पर ही रुकती है। यहाँ पे हमारा रात का डिनर हो चुका है और डिनर करने के बाद यहाँ पे हम खा रहे आइसक्रीम। अब मीरान से जीतती है सबसे, सबसे अलग है, सबसे सस्ती वाली है आपकी माँ। हम चिप्स और बाकी अभी हमारी बस चालू हो चुकी है तो चलो। और ये वाली बस है हमारी महेंद्र नगर टू देहरादून, और ये दिल्ली वाली है महेंद्र, चल चुकी है। और मीरान सा का आइसक्रीम अभी भी फिनिश पिघल नहीं हो रहा, नहीं पिघला हुआ है, पिघल है और अभी भी यहाँ पे सीट ढंग से नहीं मिला है। प्यार कर रहा है डॉगी को, और हम फाइनली पहुंच चुके हैं घर। ना यहीं से ना, ये ठोर बनाया छोर छो ना ठोर। मीरांस को कोई भी नहीं है, बुआ पालर।